फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ दूध पीठा। ये देखिए, मैंने नारियल को कद्दूकस कर लिया है और मैंने गुड़ को भी कद्दूकस कर लिया है। पीठा का स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक चम्मच अब घी डालूंगी इसमें। ये देखिए, मैंने एक चम्मच घी को डाल लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सौंफ डालूंगी। अब मैं इसमें नारियल का बुरादा डालूंगी। जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें गुड़ ऐड करूँगी। अब मैं इसमें गुड़ ऐड करूँगी। मैंने नारियल में गुड़ ऐड कर लिया है और गुड़ के साथ और भून लूँगी। देखिए, मेरा स्टफिंग बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी। चावल के आटे की मैंने पतली पतली पूड़ियाँ ऐसे बना ली हैं और इसमें मैं ये स्टफिंग करूँगी। ये देखिए, मैंने स्टफिंग कर ली है और काटा चम्मच से मैंने डिजाइन बना लिया है। ये देखिए, मैंने इतनी सारी पीठा तैयार कर लिया है और मेरा दूध भी खोल रहा है। अब इसमें मैं पीठा डालूंगी। ये देखिए, मेरा दूध खोल गया है और इसमें मैं इलायची डाली हूँ। अब मैं इसमें पीठा डालूंगी। मैं इसमें अपनी सारी पीठा डाल ली हूँ। मैंने सारी पीठा डाल ली है और मैं इसको अच्छे से बॉयल होने दूंगी। ये मेरा दूध पीठा बनकर तैयार हो गया। ये देखिए, दूध पीठा मेरा बनकर तैयार हो गया। ये देखिए, कितना सॉफ्ट, कितना अच्छा हुआ है। मैंने बच्चे भी नारियल से गार्निश कर दिया है। ये देखिए, आप भी ऐसे ही बनाइए और बनाकर मेरे को कमेंट कीजिएगा आपका कैसा हुआ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।